नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे और हमने निर्देश चतुष्क के 3 अध्यायों को पढ़ लिया है। पहले अध्याय का नाम था कुड्डाक चतुष्पाद, दूसरे का था महाचतुष्पाद, तीसरे का था तिस्त्रेषणी अध्याय। इन तीनों को अध्ययन करने के बाद हम आ गए हैं वात कलाकली अध्याय। तो इसमें सबसे पहली बात है वात संबंधी, वात के गुण दोषों संबंधी तद्विध संभाषा प्रकरण के बारे में बताया गया है। तद्विध संभाषा प्रकरण, सबसे पहली बात यहाँ पर यह देखने की है कि यह भी एक इंटरनेशनल सेमिनार था। चैप्टर नंबर 1 में पहला सेमिनार था, सिंपोजिया आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे आचार्य इकट्ठा होकर अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो पहले वाले चैप्टर में 53 थे, इसमें है 8+1, 8 जो है अलग अलग आचार्य, और उन इस सिंपोजियम के हेड हैं पुनर्वसु आत्रेय। तो इसमें आठों ने क्या क्या बातें कही हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। सबसे पहली बात, कला और अकला का क्या अर्थ है। तो कला का अर्थ है गुण और अकला का अर्थ है दोष। अब एक सारंगधर का एक श्लोक से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पित्तः पंगु कफ पंगु पंगवः मल धातवः वायु न तत्र नियंतो यत्तत्र गच्छति मेकवत। तो वह इन दोनों को पंगु कहा गया है, यानी नॉन मूवेबल, मूव नहीं करते स्वयं से, केवल वात ही इन दोनों को मूवमेंट कराने के लिए समर्थ बनाता है। जिस प्रकार वात जो है कहीं बारिश कराता है, वायु जो है, तो इसमें जो है 8 ऋषि, इंटरनेशनल सेमिनार, 8 ऋषि, 8 क्वेश्चन और एक पुनर्वसु आत्रेय। कुल मिलाकर पूछा जाए तो 9 आत्रेय, मतलब 9 आचार्य हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहली बात है कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन रखे गए हैं और उनका आंसर जो है देना है, अलग अलग आचार्य देंगे। तो हम सबसे पहले गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है कुश सांगृत्यायन ने दिया है। यही पूछा जाता है वाद के गुणों के बारे में किस आचार्य ने बात रखी है, तो कुश सांकृत्यायन। तो गुण में उ की मात्रा है, कुश में भी उ की मात्रा है, इससे आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कुश और गुण। तो इसमें और एक बात महत्वपूर्ण है कि दारुण गुण यहाँ पर ही है। तो दारुण गुण किस आचार्य ने माना है, वाद का गुण दारुण किस आचार्य ने माना है, तो कुश सांकृत्यायन। अगर कुछ संगीतन ऑप्शन में ना हो तो आचार्य चरक भी कह सकते हैं, क्योंकि चरक चरक का ही ये पूरी बुक में, चरक की ही बुक में लिखी हुई है। वैसे अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में रहे कुछ संगीतन, तो जरूर उस पर टिक कीजिएगा। तो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, ये दारुण गुण यहीं पर रखा गया है। अब यदि बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में, तो 7 गुण माने थे अध्याय 1 में। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो विशदः खरा, लेकिन दारुण गुण नहीं रखता। तो दारुण गुण यही मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं तत्श्रुत्वा वाक्यम कुमार सिरा भारद्वाज। तो भारद्वाज ने वात किस तरह बढ़ता है, वात के प्रकोप के कारणों के बारे में बात कही है। याद कैसे रहेगा, याद इस तरह रहेगा, वात जो है बढ़ती है तो ही रोग जो है सिर में दर्द होता है, वात के बढ़ने से सिर में दर्द होता है। तो कुमार सिरा भारद्वाज, सिरा यहाँ पर शब्द है, तो सिर में दर्द हो हुआ होगा इनको, तभी तो इनको पता है, कुमार सिरा भारद्वाज को तभी तो पता है वात प्रकोप के कारणों के बारे में। तो उन्होंने ही तो बताया होगा, और बताया क्या, सामान्य गुणाभ्यासो ही धातूनाम वृद्धि कारणमिति, यही बताया उन्होंने। मतलब एक समा इन जो गुण बताए गए हैं उनके समान गुणों का सेवन करने से वात की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन रहता है वात समन के कारण क्या है। तो वात समन का कारण किस आचार्य ने बताया, ये पूछा जाता है। तो कांकायन, कांकायन से आप समझ सकते हैं कि कांकायन जो है किए हैं। तो एक का से दो शुरू है, काप्य और कांकायन।
दोनों ही का रिलेशन एक प्रकार से हम बना सकते हैं, दोनों क से शुरू हैं और दोनों ही, एक बता रहे हैं कफ के बारे में तो काव्य है, कफ कफ के बारे में बता रहे हैं, और एक वात का समन, तो वात का समन भी तो एक प्रकार का कफ की वृद्धि ही होती है, तो कंकायन से कफ की वृद्धि यानी वात का समन कैसे हुआ, वात का समन के कारणों के बारे में बताते हैं। प्रकोपम विपर्ययो हि धातु नाम प्रशम कारणमिति, मतलब प्रकोप के कारणों के विपरीत जब सेवन करते हैं तो हमें प्रशमन हो जाता है रोगों का। अब इसके बाद है चौथा प्रश्न ये था कि कथम चैन, ये लिखा है कि असंघात वात के प्रकोप प्रशमन की प्रक्रिया क्या है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रकोप एंड प्रशमन ऑफ वात, इसको बताया है बाडिश धामार्गो ने, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें पूछी जा रही हैं तो इसके हैं दो चीजें, तो दो होंगे और एक्सप्लेनेशन सिमिलर है, उनके गुणों का अभ्यास करेंगे, उनके विपरीत करेंगे तो छह होगा और सिमिलर है, बड़ी धामार्गो याद रखिए। अब हम यदि बात करें तत्श्रुत्वा बाडिश धामार्गो वायुर्विद, यहाँ पर वायुर्विद व से वात व से वायुर्विद, और वायुर्विद ने बहुत अधिक डिटेलिंग किया हुआ है और इसी पर बेस्ड हुआ है इस चैप्टर का नाम वात कलाकली अध्याय। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शरीरगत प्राकृत वायु के कर्म, शरीरगत विकृत वायु के कर्म, लोकगत प्राकृत वायु के कर्म और लोकगत विकृत वायु के कर्मों के, मतलब चार कर्मों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राकृत शरीरगत वायु के कर्मों के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वायु स्तंत्र यंत्र धारा, जो वायु होती है यंत्र और तंत्र का धारण करती है हमारे शरीर में, तो यंत्र और तंत्र क्या क्या है ये पूछा जाता है। तो देखिए तंत्र जो होता है पूरे सिस्टम को कहते हैं, होल सिस्टम इज रिगार्डेड एज तंत्र, तो हमारी बॉडी पूरी सिस्टम है और उसमें लगने वाले यंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो तंत्र ये है और तंत्र सिस्टम है पूरा, यानी ह्यूमन बॉडी शरीर, और जो यंत्र है अलग अलग शरीर अवयव। तो वायु तंत्र यंत्र धारा, वायु तंत्र और यंत्र को धारण करने वाली है। अब यहां पर डेफिनेशन दिया जाएगा, प्राण उदान समान व्यान अपान, ये पांच प्रकार के वायु के वर्गीकरण यहीं पर दिया गया है, कहीं और नहीं दिया, यहीं पर दिया है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचा नाम नियंत्र, तो प्रवर्त चेष्टाओं को प्रवृत्ति कराती है, मतलब कि वायु शारीरिक सभी उच्चावच चेष्टाओं का प्रतिपादन करती है, अनेक प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनका प्रतिपादित करती है। और दूसरी बात यहाँ पर आ रही है नियंता प्रणेता चमन से, ये मन के नियमन और प्रेरण में सहायता प्रदान करती है, ये मन के नियमन और प्रेरण में काम करती है। संधानकर है, ये संधानकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सभी में इंद्रियों में अपने ग्रहण करने लायक बनाती है, सर्व इंद्रियाणाम अभिबोढ़ा, तो सभी इंद्रियों को ग्रहण करने के उनसे दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है, सभी शरीर के धातुओं को व्यूह कर होती है, ये सर्व शरीर धातु व्यूह कर संधान कर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शरीरों को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद है शरीरस्य प्रवर्तक को वाच, प्रकृति शब्द स्पर्श, प्रकृति स्पर्श शब्द यो
श्रोत्र स्पर्श सुनियो मूलम। श्रोत्र और स्पर्श के मूल में यही वात ही होता है। कैसे? तो श्रोत्र का तो शब्द हो गया और वही वात का स्थान में होता है। और स्किन का मैं बताता हूँ, स्किन में नर्व एंडिंग होती है। ये चरक चैप्टर 5वें में दिया हुआ है, 5वें के तैल अभ्यंग के प्रकरण में बताया गया है इस बारे में। हर्ष उत्साह योनि समीर अग्नि, मतलब अग्नि को जलाने के लिए भी थोड़ी बहुत तो अग्नि वायु की जरूरत होती है। दोष संशोषण, दोषों का संशोषण करती है। क्षेपता बहिर्मला नाम, बाहर की ओर मल को निकालती है। स्थाल अणु स्रोतसाम भेदता, स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता बांटती है। कर्ता गर्भ कृति नाम, आयुषो अनवृत्ति प्रत्ययभूत भवन। इसमें पूरी डिटेलिंग में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मलों को बाहर निकालते हैं, बड़े बड़े स्रोतों को छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है। शरीर की आकृति को करने वाली है। अब हम पढ़ेंगे, ये सब आपको याद रखना है कि किसके सेंटेंस है, वायु और विद के। तो वायु और विद इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से इस सेमिनार में बोल रहे हैं और बहुत अधिक बोल रहे हैं। तो प्रश्न था, विकृत कुपित शरीर के कर्म बता दीजिए। तो बहुत सारे कर्मों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। नाना विधेर रूपत दी, तो बल वर्ण सुख आयुष उपघाताय, बल वर्ण सुख आयु का उपघात हो जाएगा, नष्ट होगा। मनो व्यवहार शयति, बल वर्ण सुख का हयु मनो को दुखित करता है। सर्व इंद्रियाणाम उपन्ति विहंती गर्भान, विकृति मापत्येत अतिकालम वा धारयति, भय शोक मोह दैन्य दैन्य अति प्रलाप जनयति। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गर्भ को गर्भाशय में सुखाकर बहुत दिनों तक धारण करती है। शरीर तथा मन में भय शोक मोह दीनता आदि प्रलाप करना आदि उपद्रव करती है, प्राण को नष्ट कर देने वाली होती है। तो ये प्रकोपित वात के कर्म है। अब लोकगत वायु के कर्म पूछे जाएंगे, बताए जाएंगे। तो लोकगत वायु के कर्मों को क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लोक और शरीर एक सिमिलर होता है, या बनते ही लोके मूर्तिमन। तो इसमें हम जानेंगे कि लोक और पुरुष में सामान्यता होती है। तो अकुपित लोक वायु के कर्म में आएगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धरणी धारणम, मतलब पूरे के पूरे पृथ्वी का धारण करती है। पृथ्वी का कैसे धारण करती है इस विषय पर, वायु किस प्रकार पृथ्वी को धारण करती है, तो इसके ऊपर बहुत अधिक रिसर्च की गई। तो पता चला कि चंद्रमा और पृथ्वी आपस में इस तरह रोटेट करते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो वात के वजह से, मतलब घूमने के वजह से, चलत्व के वजह से वो स्टेबिलिटी गेन रखती है। तो धरणी धारणम यहाँ पर प्राकृत वायु के कर्म है। एक है प्रवर्तनम स्रोतसाम। तो प्रवर्तनम स्रोतसाम आप लोग कंफ्यूज सकते हैं, आप लोग स्रोतस लगा सकते हैं शरीरगत वायु के कर्मों में। लेकिन ये जो है वायु, यानी नदियों से जल को बाहर निकाल, नदियों में प्रभाव लाना, नदियों को बढ़ाना आगे, तो ये यहाँ पर है। तो प्राकृत वायु के कर्म है। इसके बाद है विभागो धातु नाम, बीज अभिसंस्कार। इसके बाद है सस्या भी वर्धयंती। इसमें बहुत सारी है, संधान को स्पष्ट करना, बीजों में गुणों का अभिसंस्कार करना। तो बीजों में गुणों का अभिसंस्कार होना बहुत जरूरी है, ताकि ताकि जो है
हमारे शस्य यानी फसलें उग सकें, हमारे धान्य उग सकें। बहुत सारे इसमें जल को बरसाना, नदी तालाब बताए गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, धरणी धारणम प्रवर्तनम स्रोतसाम बीज अभिसंस्कार। बाकी सब लोग आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और विकृत प्रकोपित लोक वायु के कर्मों के बारे में देखते हैं, जो चतुर युगांत कारणम मेघ सूर्य अनिल लाहम विसर्ग। इसके बारे में यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, चारों युगों के अंत करने वाले भयंकर बादल सूर्य अग्नि वायु को उत्पन्न करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि भूकंप आ गया, उत्पीड़न, सागरणम, उद्वर्तन, सरसाम, मतलब आकंपन, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ये सब सारी जो घटनाएं विकृत विकृत यानी प्रकोपित लोक वायु के कर्मों के बारे में इसमें बताए जा रहे हैं। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग उसके वायु के नामों के बारे में, सही भगवान उतनाम भाव भाव कर सुखा सुख योर विधाता मृत्यु, तो मृत्यु भी कहा गया है, यम कहा गया, नियंता प्रजापति, अदिति कहा गया, विश्वकर्मा और विश्वरूप, ये जो तीन है अदिति विश्वकर्मा और विश्वरूप, इसको आत्मा भी कहा गया है, ये आत्मा के भी हैं और वायु के भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वंग सर्वतंत्रणाम विधाता भावाणाम अणु विभु विष्णु। यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब मरीचि, मरीचि ने पित्त के बारे में बताया है, पित्त के बारे में मरीचि ने बताया है, और काव्य ने कफ के बारे में बताया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पित्त संबंधी ये देखिए, वात पित्त कफ इन तीनों को त्रिस्थूल माना गया है, विमर्श में लिखा हुआ है, वात पित्त कफ को इसमें त्रिस्थूल माना गया। मरीच ने इसको बताया है स्थूल कायेषु सत्वेषु यव मात्र प्रमाणता। ये अग्नि की मात्रा के बारे में, पाचक पित्त की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो जो स्थूल कायेषु है, जो बड़े लोग हैं, उनके में यव मात्रा पाचक पित्त की होती है, और जो ह्रस्व कायेषु सत्वेषु तिल मात्र, जो छोटे हैं उनके लिए तिल मात्र प्रमाण है, कीट पतंगों के लिए बाल मात्रा, बाल के समान मात्रा की होती है, एक बाल मतलब एक बाल के बराबर पाचक पित्त होता है, बाल के वेट के बराबर, बाल की मोटाई के बराबर नहीं। कफ संबंधी तद्वित संभाषा प्रकरण, तो दार्ढ्यम स्थौल शैथिल्यम उपचयम कार्श्यम उत्साह अमलस्य वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम बुद्धि मोह मिथ्या वमनादीनी चापराणी द्वादिनीति। तो ये सब जो है इसमें बताएं, ज्ञान अज्ञान का होना, ये सब कफ का, कफ के कर्मों में गिने जाते हैं। तो इसमें टोटल इन टोटलिटी पुनर्वसु आत्रेय कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप सभी का मत सही है, वात पित्त कफ में ऐसे झगड़ा नहीं करने की जरूरत है, आप सभी का मत सही है, लेकिन किसी एक बात को मतलब एकांत बात पर, तो एकांत जो विचार है वो सरासर गलत है, क्योंकि तो वात पित्त कफ ये तीनों शरीर में प्रकृति भूत रहकर व्यापक इंद्रिय, मतलब इसमें हुआ क्या था कि इसमें अलग अलग कर्मों के बारे में बताकर आचार्य झगड़ पड़े, झगड़ जो है लड़ाई करने लगे कि ये सर्व इंद्रियाणाम भी मोड़ा, तो वात बहुत बड़ी चीज है, कफ बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक मत को आप बड़ा नहीं कह सकते, तीनों का फंक्शन अलग अलग है और तीनों की इंपॉर्टेंस है। तो इसमें बात रखी जा रही है, ये वाली बात पुनर्वसु आत्रेय की उपसंहार संबंधी विचार है। तो यहाँ पर हमारा निर्देश चतुर्थ
समापन हुआ। जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर करके ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं और उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग कल्पना चतुष्क के बारे में अध्ययन करेंगे।